अब पवित्र नदी ताप्ती पर टिप्पणी कर नए विवाद में फंसे पंडित प्रदीप मिश्रा, माफ़ी की मांग। कथावाचक प्रदीप मिश्रा की मुसीबतें कम नहीं हो रही है। राधा रानी पर विवादित टिप्पणी के लिए शनिवार को बरसाना जाकर माफ़ी मांगने के बाद वे फिर एक नए मामले में फंसते दिख रहे हैं। इस बार पंडित प्रदीप मिश्रा की ताप्ती पर की गई टिप्पणी पर लोग गुस्साए हैं। रविवार को सोशल मीडिया में ताप्ती पर की गई टिप्पणी का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इसके बाद एमपी में पंडित प्रदीप मिश्रा का विरोध शुरू हो गया। ताप्ती पर की गई टिप्पणी पर एमपी के आदिवासी बाहुल्य बैतूल और मुलताई में लोग गुस्सा उठे हैं। रविवार को सुबह से ही पंडित प्रदीप मिश्रा का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ताप्ती भक्त पंडित प्रदीप मिश्रा से मुलताई आकर माफ़ी मांगने की मांग कर रहे हैं। दरअसल कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि ताप्ती देवी कृष्ण पर मोहित हो गई थीं, इससे यमुना उन पर कुपित हो गई और उन्होंने माँ ताप्ती को श्राप दिया था। ताप्ती भक्तों का कहना है कि पंडित प्रदीप मिश्रा का यह कथन शास्त्र सम्मत नहीं है। माँ ताप्ती मंदिर के प्रमुख पुजारी सौरभ जोशी का कहना है कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने बिल्कुल निराधार बात कही है, इसके लिए उन्हें ताप्ती भक्तों से माफ़ी मांगनी पड़े चाहिए। बैतूल में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिवपुराण कथा आयोजित की गई थी। बताया जा रहा है कि उसी दौरान कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने माता ताप्ती नदी के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। दो बहनों की कभी नहीं बनी, एक दो बहन का जोड़ा ऐसा है जो गड़बड़ है, एक माता पार्वती और उनकी बड़ी बहन जम के बोलो गंगा, और दूसरी यमुना और उनकी छोटी बहन ताप्ती। क्या नाम था? ताप्ती, मैं तुझे श्रापित देती हूँ। हे ताप्ती, दुनिया की किसी नदी में अगर अस्थियां विसर्जित होगी, उनको गलने में 44 दिन लगेंगे, पर ताप्ती तेरे जल में अगर अस्थियां आएंगी तो तू तुरंत भक्षित करेगी, उसको तुरंत समाप्त कर देगी। आज भी ताप्ती नदी में किसी अस्थियों को डाला जाता है तो मात्र 1.5 घंटे के अंदर वो अस्थियां जल के राख हो जाती है और पानी में बह जाती है। अनर्गल जानकारी दी गई है, जिसका कि हम विरोध करते हैं। ताप्ती मैया सूर्य पुत्री है, यमुना उनकी बहना है, और उनके विवाद का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं आता। और ताप्ती मैया के द्वारा किसी भी प्रकार से कृष्ण पर मोहित होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जो आरोप मिश्रा जी के द्वारा कथा में कहे गए वह पूर्णतः असत्य है। ताप्ती मैया के जल की बहुत सारी महिमा है, जिसमें अस्थियों का और बाल का विसर्जन करने पर वे जल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यह एक बहुत ही अद्वितीय महिमा है और यह किसी श्राप के कारण नहीं है। इसलिए प्रदीप मिश्रा जी को माँ ताप्ती के तट पर आकर ताप्ती मैया से माफ़ी मांगना चाहिए और इस चीज़ का उन लोगों ने संज्ञान लेना चाहिए।